रेडी हो गए और फंक्शन के लिए निकल रहे हैं और 11:30 बजे हैं। आधे घंटे जैसा सफ़र होगा, ज़्यादा लंबा सफ़र है नहीं। फंक्शन लगभग ख़त्म हो चुका था और टाइम हुआ था 2:30 बजे। तो क्या हुआ कि मुझे मामा के घर पे भी जाना था, क्योंकि मेरे नाना जी वगैरह थे, मामा थे या मामी वगैरह, सबसे मिलना था। मैंने वहाँ पे जाके तय किया कि एक काम करते हैं कि यहाँ पे धौलागढ़ करके पर्वत है, धौलागिर कहो धौलागढ़ कहो, तो वो है मामा के गाँव से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने कहा वो देख के आते हैं। तो फिर क्या, सिद्धार्थ ने कहा कि मैं भी आता हूँ। तो फिर हम 4 जन हो गए, मैं, भावेश, प्रकाश और सिद्धार्थ, हम 4 जन। और वहाँ हम धौलागढ़ को एक्सप्लोर करने, एक्सप्लोर तो क्या करना, खाली ड्रोन शॉट लेने थे। तो जाते जाते रास्ते में क्या है कि वो शेषपुर का एक तालाब है, अच्छा सा तालाब है, तो वो भी मैंने देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के भी ड्रोन शॉट लेंगे, यहाँ के कुछ अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स लेंगे तो बहुत बढ़िया मजा आएगा। तो मैंने कहा एक बार धौलागढ़ चलते हैं, आते टाइम जो भी होगा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ पे गए, इसके बाद मैं ड्रोन शॉट्स लिए, वो आपको देखने से बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअल में क्या है, धौलागढ़ को मैं पहले भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ और चढ़ना तो पॉसिबल था नहीं वहाँ पे, क्योंकि 400 से 500 मीटर की चढ़ाई है। मतलब आप पूरा जाओगे तो लगभग, मतलब 400 से 500 मीटर कुछ मुझे आप गूगल करके देख सकते हो जो भी है, लेकिन आप चढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लगभग 1 घंटा चढ़ने में लगता है और रात को उतरते टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वैसे भी शाम का वक्त हो चुका था। तो मुझे क्या, एक सिद्धार्थ ने कहा कि एक काम करते हैं, अपने 4 बजे निकल जाते हैं। तो मैंने कहा 5 बजे निकलते हैं, क्योंकि गाँव में अंधेरा बहुत जल्दी होता है। तो फिर हम 4 बजे के आसपास में निकले और 5 किलोमीटर था तो जल्दी से मतलब कवर हो गया। तो आपको वो ड्रोन शॉट्स देखने से बहुत मज़ा आएगा। तो क्या है कि हमारी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है धौलागढ़ पर्वत के लिए, तो आप देख सकते हैं। इतने मंत्री ना क्यों बहते। एक्चुअल में क्या है, यहाँ से चढ़ना होता है, यहाँ से ऐसे 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 होते हुए, अगर आपको ये देखना है तो मेरे कुछ लास्ट व्लॉग हैं तो उनको खंगाल के देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख पाओगे। तो क्या है कि अभी तो टाइम है नहीं, तो मैंने सोचा एक बार ड्रोन उड़ा के तो ऊपर का जो भी है आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे आने का भी पहले से मन नहीं था, क्योंकि फिर क्या, एक मेरे मामा के यहाँ पे आया, मामा के यहाँ से लगभग 5 ही किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैंने कहा एक बार इसको कवर कर लेते। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ज़बरदस्त है। और क्या, अभी थोड़ा शाम का वक्त हो गया तो इसलिए क्या, एक थोड़ी ड्रोन की जो फुटेज है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बाकी तो ज़बरदस्त है।
बहुत मजेदार है। तो अभी चलते हैं, तो रास्ते में एक बहुत जबरदस्त ताला बांधने वाला है, वहां पे कुछ अगर मतलब अंधेरा न अगर अंधेरा नहीं हुआ तो ड्रोन फुटेजेस लेंगे। प्रकाश भाई, तो हमारे ग्राहकों से बात कीजिए, आपने बहुत टाइम से बात नहीं की है। बोलो न, कुछ ग्राहकों से बात करो, अभी नींद में लग रहे हो। हम दौरागढ़ खेड़ा आए हुए हैं, यहाँ पे 2025 में एक प्रोग्राम होने वाला है जहाँ पे हिंदुस्तान के दरेक अलग अलग साधु संत यहाँ पे आएंगे और यहाँ का महत्व बताएंगे आपको। बोला मोरे के क्या वो भाई इतना ही है, कोई रिपोर्टिंग बराबर नहीं। ये बात तो लगभग एक साल पहले भी मैंने बताई थी ऐसा होने वाला ही, लेकिन होता ही नहीं है। 2025 का कंफर्म है, कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया। योगी सरकार आएगी और योगी बाबा खुद यहाँ पे आएंगे। यहाँ के बाबा जी और योगी आदित्यनाथ जी की कुछ साठ गांठ है, मतलब दोनों दोस्त है ना। प्रकाश जी महाराज जो है वो एक कलेक्टर थे, ऐसा कलेक्टर थे और उन्होंने उनके पद से भूल गए क्या, भूल गए हिंदी में इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया और यहाँ पे वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले थे और मेरा फोन आ गया। हेलो हम रास्ता भूल गए अभी, जय बेरू जी किराना स्टोर पे खड़े हैं हम। सामने वाला पहाड़ भी बहुत जबरदस्त दिख रहा है, मेरे को लगता है यूटर्न लेना ही पड़ेगा अब यहाँ से। हमको अलग अलग रास्ते पे लेके गुमराह किया है ना, और बोलता है रास्ता वही आगे जान दो जान दो। इसको पूछते हैं भाई, आप 40 साल सेसपुर कुटे प्रकाश भाई हो और किलोमीटर्स का घबला नहीं हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये चलाए तो भी या हम चलाए तो भी घबला होना तय है। हम यहाँ पे ऊन खरीदने आए हुए और इधर टच होगा तो 1500 रुपया देना पड़ेगा। 1500 नहीं 15000 1500 से बार्गेनिंग चालू करेंगे, 200-300 में काम करके पतवा देंगे। रास्ते भूल भुला के हम पहुंच चुके हैं अच्छे लोकेशन पे, यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे। गंगा जी में डुबकी ना लगा दे। वो मंदिर है सामने, श्री मावजी महाराज की समाधि है, तो बहुत ही जबरदस्त है, नज़ारा भी बहुत जबरदस्त आएगा। अगर दिन में आए होते तो और मस्त लगता, अभी थोड़ा क्या है कि अंधेरे जैसा हो गया। क्या हुआ, चलो यहाँ के शॉट्स ले लेते हैं फिर मिलते, नहीं तो क्या अंधेरा हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइए कि ड्रोन शॉट्स कैसे लेंगे, बहुत ज़बरदस्त ड्रोन शॉट्स लेने की कोशिश की और आपको पसंद भी आए होंगे, तो मतलब थोड़ी रिस्क लिए, मतलब ड्रोन को एकदम कम हाइट पे रखा और फिर एकदम स्पोर्ट्स मोड में चलाया, तो फुटेज बहुत ज़बरदस्त आई, लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है जरा भी इधर उधर। और सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सामने आपको खंभे दिख रहे होंगे वायर, मतलब यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहे, तो जरा भी ऊपर नीचे हो या मतलब हमको ऐसा लगा कि नीचे छू जाने वाला, हमने ऊँचा किया और ऊपर से वायर आ गया मतलब सीधा नीचे, तो आपका ड्रोन हरिओम। ये पहले क्या तालाब हमेशा खाली रहता था, हम जब छोटे छोटे थे तब आते थे, लेकिन अब भरा भरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब ईंटों का धंधा ज़्यादा होता था पहले, हमारे मामा भी ईंटें निकालते थे यहाँ पे, ईंटों के भट्टे करते थे ने, यहाँ का बिजनेस यही था ने, ईंटों के भट्टे, ईंटें बनाते थे और बेचते थे। इससे क्या है कि ये तालाब बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है, अभी इस खड्डे में हम भी गिर जाते, बहुत गहरा है ये खड्डा। तो चलिए चलते हैं, पिताजी का फ़ोन आ रहा है।
हमने मजे लिए और ये सो रहे हैं। चलिए अभी चलते हैं, ठीक है। बीजेपी धारे इतनी नहीं आवे, सरकार बीजेपी नहीं बेवानी है। देखो यहाँ पे सब क्या है कि चुनाव पे मंथन हो रहा है। कांग्रेस तो हमारे राजस्थान में तो दर पांच वर्ष अल्टी पल्टी थतु है, छेल्ला 20 वर्ष थी आउ छे। देखो गुजराती समझ में आ रही है तो सब मंतव्य दे रहे अपना। भाई प्रकाश भाई राजस्थान में कौन सी सरकार आएगी? भाजप ने अपने गुजरात में भाजप के भाजपा एम के बीजेपी बीएसपी बोले तुम तो बहुजन समाज पार्टी।